जो अवामी नौइयत के हैं, बेहतरी के हैं, खवातीन की बेहतरी के लिए हैं, जो हमने टेबल कर दिए हैं, उनको हमें लेजिस्लेट करना है। ऑपोजिशन के साथ भी हम चाहेंगे कि कोई हदूद क्यूद तय हो जाए, कि वो अपनी बातचीत करें, वो नुक्ताचीनी करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन बात सुने और सुनाएं और एक हेल्दी डिबेट जो है उसको जन्म दें। हमें हौसले से उनकी बात सुननी चाहिए और उन्हें हौसले से हमारी बात सुननी चाहिए। अगर हम उन्हें हमारी कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो तनकीद का उनका हक है, उस हक को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन ये जो है बीच में इंटरप्ट करना, बात ना करना, ये जमहूरी सोच की मुनाफी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अच्छी रिवायात को आगे लेके चलें। फाटा के बिल के बारे में कुछ मेम्बरान जो फाटा के थे उन्होंने जिक्र किया है, तो तय हुआ है कि अपोजिशन के साथ उस पर एक मशावरत की जाए कि फाटा की लेजिस्लेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। तो ये मोटे मोटे नुकते थे जिस बात पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम को लोगों ने सराहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उस पर व्यू दिया है, और अभी चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक ब्रीफिंग भी हुई थी, सारे MNAs थे, लोगों ने पढ़ा है। एंड ऑन द होल लोग समझते हैं कि ये सही मानों में पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एक तिहाई बजट जो है सालाना तरक्याती प्रोग्राम पंजाब का इन इदारों को मुंतकिल होगा। जो फंक्शंस हैं पंचायत काउंसिल के, तहसील काउंसिल के, अर्बन काउंसिल, उनमें इजाफा किया गया है और अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का ये एक बहुत बड़ा कदम है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी कोई मुश्किल पेश आ रही है बिलखसूस पंजाब में इस बिल के हवाले से? कोई मुश्किल नहीं है, मुस्लिम लीग काफ हमारे साथी हैं, हमारे हलीफ हैं, हम बाहमी मशावरत करते रहते हैं, इंशाल्लाह इकट्ठे चले। शाह साहब, ये तो नहीं फाटा इलेक्शन से कबल बिल की बात करना, इलेक्शन के ऊपर असर नाज नहीं होगा? दूसरा, पीएम साहब आज इजलास में शिरकत करेंगे कि नहीं? जी, पीएम साहब तशरीफ लाएंगे, हाउस में भी उनका इरादा है आने का। देखिए, मेंबर्स की राय है और मैंने ये कहा कि देखिए ये सिर्फ हुकूमत की राय इसमें नाकाफ़ी है। जब तक अपोजिशन इसमें मशावरत नहीं करेगी, फर्ज कीजिए कोई तरमीम करनी है, वो तरमीम तो दो तिहाई अक्सरियत के बगैर हो नहीं सकती, और दो तिहाई अक्सरियत तो हुकूमत के पास है नहीं, तो अपोजिशन की राह आना ज़रूरी है। तो हमने कहा है फाटा के मेंबरान से कि आप भी अपोजिशन रब्ता करें, मिल बैठ के अगर कोई तफाक राय से रास्ता निकलता है तो निकालने की कोशिश करती। थैंक यू सर।